परमेश्वर की वजन से सीखेंगे आपको भी फेत बढ़ाना शुरू कर, करना है प्रभु के राज्य के लिए देना शुरू कर दो जैसे जीसस किचन शुरू किया मेरी फेत बढ़ गया क्योंकि मुझे पता है अगला दिन का लिए माल नहीं पड़ा उसके एक दिन पहले आएगा गॉड प्रोवाइड और नेक्स्ट लेवल और बढ़ गया जब टी का बिल आना शुरू हो गया टी मिनिस्ट्रीज़ का वो और बढ़ गया क्योंकि परमेश्वर प्रोवाइड करता है प्रभु आपको थैंक यू वॉर टीम परमेश्वर आपको अंशंश बढ़ाता है मुझे और आपको आपका फेत एकदम से आपको नहीं बोलेंगे इतनी बड़े कार्य करने के लिए बट प्रभु अंशंशंश बढ़ाता है आपके बच्चे ग्रो स्लोली ग्रो होता है ना ऐसा नहीं है एकदम से उसको बोल दिया आज आप जितने बूस्ट पिलाओ उसको हॉर्लिक्स पिलाओ वो तो तरीके से ग्रो करेगा दस साल का लड़का आज ये बीस साल का हो गया तो हमें ये क्या हो गया है ना तो तरीके से ग्रो होता है परमेश्वर भी आपका फेथ भी तरीके से बढ़ाएगा अले लु या लुका सुषमा जरा देफ ओ वर्सोर टू ट्वेंटी सेवन लुका सुषमा जरा वर्ष 24 फोर टू ट्वेंटी प्रार्थना करो परमेश्वर पिता मुझे बुद्धि देना सामर देना आज की वजन समझ पाए मैं लाइफ में अप्लाई कर पाए मुझे तूने बुद्धि दिया सामर्थ्य दिया मैं समझ पाऊंगा यीशु के नाम से बहुत सारे बहनों में मैंने देखा बोलते हैं मेरे को तो समझ ही नहीं आता बाइबल में से क्या सिखा रहे हैं क्या पढ़ा रहे। है बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा नहीं बोलना कभी मुंह खोल के बोला कोई भी सब्जेक्ट मेरे लिए टफ नहीं है बोलो कोई भी चीज में प्रभु की वजह से पढ़ी मेरे लिए टफ नहीं मैं समझ लूंगा पॉसिबल है आपको प्रभु अपनी गुप्त बात बताएंगे सिखाएंगे हाले लुया चाय पिएगा हम आ रहे तो नहीं लुका सुस नजर आ दिया फो वेरी इंपॉर्टेंट दो तीन बाइबल वर्ड्स हम पढ़ेंगे बट बहुत चीज हम पढ़ेंगे इसमें समझेंगे लुक बुक ऑफ लुक चैप्टर फोर ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सेवन आपको डेलीवर से छुटकारा अपने पड़ोसी पूछना छुटकारा चाहिए जिंदगी में मेरे चाहिए चंगाई चाहिए फिर आज की वजन बहुत ध्यान से सुनना बोल ना पड़ोसी नाराजी तो नहीं है बोलो यू लुक ब्यूटीफुल चुड़े। वाइफ है तो वाइफ को बोलना पड़ोस में हालेलुया लुक फोर ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सेवन बुक ऑफ लुक चैप्टर फोर वो ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सेवन पढ़ेंगे हम परमेश्वर के वजन से और उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब साढ़े तीन वर्ष तक आकाश बंद रहा यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया केवल सेदा के सार्फत में एक विधवा के पास और एलिशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोड़ी थे पर सिरियावासी नमान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया ये यीशु मसीह ने बोला यीशु मसीह के चेलों ने यह वर्ड बोला अपने बाइबल पढ़ा तो ये मसीह की वचन है यीशु मसीह की चेल ने भी लिखा है वो भी वचन है बट ये राइट उस कहां पता चलेगा ट्वेंटी थ्री पढ़ो ट्वेंटी थ्री में क्या लिखा है तेईस में उसने उनसे कहा उसने मीन यीशु ने हिंदी बाइबल में ये प्रॉब्लम है उसने इसने वही बोलता है जीसस ने बोला तो ये किसकी वचन है येशु। येशु ने दो स्टोरी रेफर की कौन सी स्टोरी है बोल दे इज़राइल में और भी बहुत सारे गरीब लोग थे बट एक औरत के पास भेजा और दूसरी स्टोरी क्या है समझो बहुत सारे ओल्ड टेस्टमेंट में इतनी सारे कहानी है रूल्स है बट यीशु मसीह ने दो चीज की उठा के बात किया तो उसमें से कुछ सीखने के लिए माल होगा हम चलेंगे उधर जाके पढ़ते उधर भी फर्स्ट किंग सेवनटीन जिसको यीशु मसीह ने रेफर किया वाई इस स्टोरी में इतना क्या इंपॉर्टेंस है फर्स्ट किंग 17 मैंने दस बार पढ़ा मैंने बाइबल स्कूल में भी पढ़ा बहुत अच्छी बात है मेरी दिमाग ऐसे चलता था पहले आज नहीं क्योंकि जो बोलता है उसका उठ पटांगी मेरे दिमाग में आता था रेबल नेचर था अरेगेंड प्राइड इसलिए मैं बहुत सारे लोगों से अच्छा सा चेहरा दे के पता चल जाता हूँ मेरी भाई आ गया मेरी बहन आ गया बट ये खराब कर देगा फर्स्ट किंग्स सेवनटीन एट टू फिफ्टीन पहला राजा अध्याय सत्रह आठ से लेके पंद्रह कौन सी स्टोरी यशु मसीह ने बोला क्या बोला यशु मसीह ने भाई इसराइल सराफत में इतनी लोग थे बट उसके पास भेजा गया नमान ऐसे लेपर बहुत सारे थे कोड़ी बट एक किया ये दोनों स्टोरी हम देखें कुछ ही समझेंगे फिर प्रार्थना करेंगे पहला राजा सत्रह आठ से लेके पंद्रह तक तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोन के सारफत नगर में जाकर वहीं रह, सुन मैंने वहाँ की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है अतः वह वहाँ से चल दिया और सारपत को गया नगर के फाटक के पास पहुँच उसने क्या देखा कि एक विधवा लकड़ी बिन रही है उसको बुलाकर उसने कहा किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी लिया जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार के कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास ले दिया उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं दो दो एक लकड़ी बिन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊँ और हम उसे खाएँ फिर मर जाए एलिया ने उससे कहा मत डर जाकर अपने बात के अनुसार कर परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना, क्योंकि का परमेश्वर कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर में न बरसाएगा तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस का तेल घटेगा तब वह चली गई आपने आप आए स्टोरी समझ आ गया आप आए मेरे पास ही लास्ट हज़ार रुपये बच गया घर पे एक रुपया का खाने पीने का नहीं है मैंने बोला ठीक है बहुत बड़ी हज़ार रुपये है ना साढ़े सात सौ रुपये में एक बोरी चावल पच्चीस किलो का आता है जिस किचन के खरीद लो बाकी तीन सौ बच्चा दो किलो तेल भी लो ट्रूली आपकी जवाब दिल में क्या होगा मेरे मुँह में बोले ना बोले तो कौन बोल सकते हैं जो सच सच वाले से बात पाए जाएंगे थाउजेंड रुपीज़ बचा आज क्या शू नहीं है थाउजेंड रुपये वाला पागल हो गए पागल हो और और, ट्रू ट्रू सच कह रहे ट्रू और कौन बोल सकता है सच हां मैं होता मेरे सामने कल दस बोरी आया था फिर भी ये दिया नहीं बीवी को मैं सारे बड़बड़बरा बोल के जाता घर पे बाइक पे बाइक होगा नहीं तब तो उस टाइम तो फिर साइकिल में नहीं पैदल आया होगा फेसबुक फ्री में किसी ने चार्ज किया दो तो मैं स्टेटस भी डालता गरीबों का कोई नहीं देखता गरीबों का कोई नहीं देखता स्टेटस डाल दिया यही मैं किया होता बट इस विधवा ने क्या किया गॉड फेसबुक नहीं था <laughs> उसने इंस्ट्रक्शन फॉलो किया ठीक है बट यीशु ने परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने क्यों इसी औरत के पास ही भेजा उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो किया समझ आ गया हमने वो समझा बट क्यों यस yes. ठीक है मैं दूसरी तरीके समझाता हूं सपोज आपको कोई काम है और एक व्यक्ति आप जानते हैं किसी को ब्लड चाहिए तो आप एक व्यक्ति को जानते हैं उसके पास भेज दिया ब्लड के लिए हर बार देता ही रहता है आप कॉन्फिडेंस के साथ किसको बोलोगे अगली बार किसी को ब्लड चाहिए तो हाँ उसका मतलब ये, को उस औरत का नेचर, ये प्रभु का दासों के बात सुनता है ये उल्टा सीधा बोलने नहीं जाएगा इसकी नेचर परमेश्वर को पहले से ही हम होता है तो क्या बोलते एलिया भाई साहब तेरे पीछे तो अहाब बड़ा है तू तो खुद उस अहाब और बताओ उसकी बीवी का नाम हाँ हिंद इंग्लिश हाँ, तो गया तीन साल से तो कौवा तुझे खाना खिला रहा है तो मुझे सिखाने आई एग्जैक्टली exactly यही होगा हमारी नेचर क्योंकि उसका कहानी एलिया का कहानी पूरा सबको पता था भाग गया ये बट इस औरत ने क्या किया उसकी नेचर पहले से थी इसलिए मसीह ने बोला उसका नेचर प्रभु का दासों को रेस्पेक्ट करने का नेचर है हमने लूका कौन सी पढ़ा था लूका चार? चार कौन सी वर्ष से चौबीस पढ़ो उसमें की है उसमें इसका की है उस वर्ष में की है हमें भी अट्रैक्ट करना है ब्लेसिंग्स आशीष अनुग्रह क्या करना है चौबीस पढ़ लीजिए और उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता मैं तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिन यीशु मसीह ने वो स्टेटमेंट देने के बाद ये स्टोरी दिया है यीशु मसीह ने वो स्टेटमेंट दिया तुम रेस्पेक्ट नहीं देते तुम इज्जत नहीं देते हो उसके बाद परमेश्वर ने बोला ये दोनों काम क्यों हुआ उसका मतलब जिस औरत की हैबिट है, नेचर में ऑलरेडी उसकी 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 स्वभाव है ये कार्य करना तभी आपके पास आएंगे पास्टर घर में आता है उस दिन तो खाना चारा आप बना सकते हैं बट और कोई आ गया तो उसको पानी भी नहीं पूछता है। हैबिट वो नहीं है गिवर गिवर का हैबिट नहीं है हैबिट जो हैबिचुअली देने वाला सबको देता है जाने के टाइम पूछता नहीं चाय पानी हाँ आपके घर में कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति आ गया फ्रेंड्स आ गया फैमिली आ गया दैट इज़ डिफरेंट। बट आपकी हैबिट क्या है बाय नेचर गिवर का हो सुनने वाले का हो उसने सुन लिया बट उसका उसका मतलब उसकी सुनने का हैबिट है? पहले से थे ये किस, ये कौन जानता है ये बात होली स्पिरिट परमेश्वर जानता तभी उसको बोला तू इसके पास जा इसको सुनने का रेस्पेक्ट देने का प्रभु का दासों को ऑनर देने का हैबिट है गो 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 हिम हिम टू टू हर आपकी हैबिट क्या है मेरी हैबिट क्या है मैं सोचता हूं मेरी हैबिट क्या है सचमुच में गिवर है या ड्रामा है जिस किचन के लिए दूसरों को देने के लिए उत्साहित करता है खुद देता है नहीं देता मेरी ट्रू हैबिट क्या है भाई बताओ क्योंकि मुझे आशीष कहां से आना है बट हम बहुत बार क्यों हमारे लिए, हम, देते, करते, दिखाते है। हमारी लिए है, हम दिखाना चाहते हैं बट सचमुच में डिलीवरेंस आएगा मैंने शुरू करने के टाइम एक क्वेश्चन पूछने के लिए बोला पड़ोसी से आज आपको चंगाई छुटकारा आशीष अनुग्रह मिलेगा कि नहीं आपने उनसे क्वेश्चन पूछा अब वो भाई खुद आंसर दे रहे उसका जवाब दिल में वचन में लिखा हुआ है सबसे दया के साथ बात करना सबको हेल्प करना है क्योंकि पता नहीं अनजाने में आपने एंजल्स को हेल्प किया हो अनजाने में आपने एंजल्स को हेल्प किया हो हो सकता है मैं एंजल हो हो सकता है आप एंजल हो आपके पड़ोसी एंजल हो।, हो सकता है एंजल असुमा के रूप में आए हो क्यों आशीष क्यों परमेश्वर ने उसको भेजा उसके पास बताओ अभी जवाब तो आपको पता चल गया होगा क्यों भेजा उसके थे आपकी हैबिट है बीस साल के बाद हो सकता आशीष देने वाला होगा बट आपका हैबिट रहना चाहिए दूसरी स्टोरी कौन सी है परमेश्वर ने यशु मसीह ने कोर्ट कौन सी स्टोरी किया दूसरी बोल दे पूछा क्या ये मसीह ने इसराइल में और कोडी नहीं थे फिर क्यों नमान को आशीष दिया परमेश्वर ने वो स्टोरी भी हम पढ़ेंगे अगर आपका प्यार न्यू टेस्टमेंट से है यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा कोटू मसी प्रचार ही कहां से किया उधर से ही किया प्रभु का सामर्थ्य मेरे ऊपर के लिए ये सब कहां से से कोट किया यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा उसी अध्याय से कोट किया वैसे सेकंड किंग्स फाइव वन टू सिक्स आपकी नेचर क्या है आप आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं हम बाहर सबको ज्यादा मास्क तो अभी है बट पहले हमारे पास तो मास्क है है ना मास्क तो अभी आया ना बट हम तो पहले मास्क लेके चलते थे दिखता नहीं था किसी को सेकेंड किंग्स फाइव वन टू सिक्स सेकेंड किंग्स फाइव वन टू सिक्स आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था वह शूरवीर था परंतु कोड़ी था अरामी लोग दल बांधकर इसराइल के देश में जाकर वहाँ से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी उसने अपनी स्वामिनी से कहा यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता क्योंकि वह उसको कोड़ से चंगा कर देता तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर कह दिया इसराइली लड़की इस प्रकार कहती है आराम के राजा ने कहा तू जा, मैं जाइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा तब वह दस किकर चांदी और छः हजार टुकड़े सोना, और दस जोड़े कपड़े साथ रवाना हो गया और वह इसराइल के राजा के पास वह पत्र ले गया ये पांच दोबारा पढ़ो मेरी गलती लिखा है शायद इसमें गलत है मेरे में लिखा है खाली हाथ चला गया बोल भी गया जानते नहीं है मैं किसका <laughs> जानते नहीं है मेरे पापा को ये लिखा है पढ़ो जरा दोबारा तब वह दस किकर चांदी और छह हजार टुकड़े सोने और दस जोड़े कपड़े साथ लेकर रवाना हो गया कैसे प्रार्थना करने के लिए निकला आया खाली हाथ हम आते जी जी घाना का एक बहुत बड़ा चर्च का पास्टर ने एक बात बोला वो एक बहुत बड़ा एक दूसरी मिनिस्टर का बेंसन एडहोस जो बहुत सारे नाइनटीन में शायद डेप्त हुआ उनके बारे में कह रहा था मैं भी स्पिरिचुअल सन था मेरे साथ एक और था हम दोनों जाते थे हमारे स्पिरिचुअल फादर मिलने के लिए मैं छोटे लिफाफे लेके जाते थे वो उस पाप पा, उनके पास यूनिवर्सिटी था यूनिवर्सिटी का पूरा खर्चा पूछते थे बिजली की बिल से लेके सैलरी तक पूरी साल का खर्चा हर साल जब पापा से मिलने जाते थे लेके जाते थे वो अब ओ हो गया मैं अब ए हो गया और बोलते थे और मैं बैठते थे जब वो ऑफरिंग लेके जाते थे मैं बाहर बैठ के सुनता था पापा क्या क्या इसके ऊपर आशीष बोल रहा है वो बोलते उनके ऊपर एक वर्ड बोलता था विदाउट स्वेट यू विल अर्न मनी तो बिना पसीने से कमाएगा बोलते आज वो ही होता है मैं पसीना बहाते जा रहा हूं दो व्यक्ति के एग्जाम्पल लिया क्या क्या लेके गया उस उस प्रार्थना करवाने के लिए गिफ्ट्स लेके गया बट एलाइसा ने एक रुपए का लिया नहीं मैं और आप स्टोरी जानता उसने नहीं लिया बट उसके एटीट्यूड क्या था खाली हद हाँ नहीं जाना आप खाली हद हाँ क्यों नहीं किया मेरा वही आज ही आजी इसमें छुपे हुए चीज पूछना चाहता हूं क्यों गया ऐसे लेके ठीक है। आपके घर में जिसको आप ज्यादा रेस्पेक्ट नहीं करता वो व्यक्ति आ रहा है और आपके घर में बहुत आप रेस्पेक्ट कर रहे हैं। जिसको रेस्पेक्ट कम आ रहा है उस दिन में आप क्या क्या बनाओगे खाना बोलेंगे लॉकडाउन चल रहा है जी मिला है नहीं कुछ आज हर चीज के बहाने है ना लॉकडाउन और जो बहुत रेस्पेक्ट करने वाला आ रहा है उसको क्या करोगे ये नमान के अंदर उस व्यक्ति जिसको देखा नहीं उसके लिए क्या भरा हुआ था रेस्पेक्ट आदर उसके दिल में भरा हुआ था और कौन जानता ये शत्रु कोई भी हो बट प्रभु की कार्य करने वाले के लिए उसके दिल में आदर भरा हुआ कौन जानता था ये परमेश्वर जानता था इसलिए तो उस छोटी लड़की से ये सारे सेटिंग करवाया आपकी दिल क्या है सामने जय मसीह की हल्ले लुया पीछे कुछ और आपकी नेचर क्या है हीलिंग एंड डिलीवरेंस आज आपको मिलेगा लूका फोर ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी सेवन दोबारा हम पढ़ेंगे यशु मसीह ने जो स्टोरी बोला फॉलो कर रहे हैं आप ऐसे नहीं है ना बहुत बड़ी समझ ही नहीं पा रहा है ऐसे तो बात है नहीं आपने प्रे किया ना मुझे समझाओ सब्जेक्ट एंजल्स के बारे में आपने समझा तो ये क्या बात है किसी को विजिटेशन हुआ कोई ऐसे एंजलिक स्टोरीज कुछ चीज़ आप शेयर करना चाहते तो शेयर करना टेस्टवनीज हम लेंगे हा ले आप वीडियो में रिकॉर्ड करना सुनेंगे फिर हम लेंगे हाँ ले और किसी कोई भी है एंजलिक विजिट बिकॉज आई एक्सपेक्ट लुक फोर ट्वेंटी फोर टू ट्वेंटी दोबारा हम पढ़ेंगे और उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कोई भविष्यवक्ता अपने देश में मान सम्मान नहीं पाता और तुमसे सच कहता हूं कि एलिया के दिनों में जब साढ़े तीन वर्ष तक आकाश बंद रहा यहां तक कि सारे देश में बड़ा अकाल पड़ा तो इज़राइल में बहुत सी विधवाएं थी पर एलिया उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया केवल सैदा के सारपत में एक विधवा के पास और एलाइशा भविष्यवक्ता के समय इज़राइल में बहुत से कोड़ी थे पर सिरियावासी नामान को छोड़ उनमें से कोई शुद्ध नहीं किया गया ये बातें सुनते ही जितने आराधनालय में थे सब क्रोध से भर गए और उठकर उससे नगर से बाहर निकाला इस हिंदुस्तान में कितनी डायबिटिक लोग हैं डायबिटीज हिंदुस्तान डायबिटीज़ की कैपिटल है धरती का 20-30 करोड़ है हिंदुस्तान में आ, आपकी डायबिटीज हील करने के लिए क्यों प्रभु भेजे मेरी शॉप बंद होने वाला है नोटिस दे रहा शटडाउन होने वाला है बिजनेस सो वॉट पांच नंबर में डेली पांच दुकान बंद होते हैं सो वॉट सो वॉट हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं सो so वॉट प्रभु ने बोला खुद बहुत सारे विधवा के पास पैसा नहीं था बट मैं उसी के पास उसका मतलब आपकी नीड को प्रभु रेस्पोंड नहीं करेगा नीड है चंगाई के लिए बीके हॉस्पिटल में लोग भरे पड़े हैं बट सबको जाकर परमेश्वर चंगा कर रहा है नीड को प्रभु रेस्पोंड नहीं करेगा नीड है जी जरूरत है ना आपकी फेथ ओबीडियंस प्रिंसिपल आप प्रिंसिपल जब अप्लाई करोगे परमेश्वर करेगा प्रिंसिपल्स अप्लाई करना है वन प्लस वन कोई भी बोलेगा टू ही होना है समझ पा रहे हो जब नेक्स्ट टाइम आपको जरूरत होगा परमेश्वर को एलिया कोई एलाइशा भेज दोलायशा कौन है जो इतनी महान व्यक्ति है लिया, जो यीशु मसीह का ट्रांसफिगर जब माउंट ऑफ ओलिव्स में ट्रांसफिगरेशन होना था उस टाइम मूजा और कौन आया हाँ उसी चाचा है ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है उसकी नाम लेके बोला परमेश्वर ने उस तक मैंने भेजा नहीं उनको आपकी लाइफ में एक नीड है वो वाई क्यों प्रभु भेजेंगे किसी को हेल्प करने के लिए Why? दो कारण से भेजेंगे एक आपका हैबिट नेचर आपके रेस्पेक्ट प्रभु की बातों से प्रभु के लोगों से परमेश्वर की चीज़ों से है प्रभु मुझसे बात नहीं करता परमेश्वर ने मला के तीन का ग्यारह में क्या लिखा है दस में क्या लिखा है तू तो देना वो हम सुनता नहीं है तो हमें क्यों बात करें आपकी बेटी या बेटा आके बोला मम्मा आप मुझसे बात क्यों नहीं करता आप गुस्से में इसलिए बैठे क्योंकि आपने जो पहले बोला उसने वो नहीं किया इसलिए आप अभी क्या नहीं कर रहा बात नहीं कर, बात नहीं कर रहा मम्मी क्या बोलेंगे जो मैंने बोला वो करो फिर मैं बात करूंगा जो परमेश्वर ने लिखित तो में दे रखा है वो करो फिर प्रभु बात करे वो लिखित तो वाला हम तो बहुत बार इंप्लीमेंट नहीं करता अपनी पैरों में आएंगे प्रे वी विल प्रे पंद्रह बीस मिनट प्रार्थना करेंगे हर गंध जो शरीर में है जो बहुत बार हमारी खुद शत्रु कौन है पड़ोसी नहीं है दूसरी नहीं है हम खुद की नेचर शत्रु बनता है हमारा आई वो शिवटी बहुत बार शत्रु कौन है हीलिंग क्यों नहीं होता चंगाई क्यों नहीं होता आशीष क्यों नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर कुछ नेचर है वो ठीक नहीं है और हम वो स्टोरी कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह ने दस कोड़ों को ठीक किया प्रभु ने एक बात पूछा देखते हैं, ढूंढ के बताओ पहले कौन ढूंढ के फर्स्ट बताओ बाइबल हम पढ़ेंगे फिर प्रार्थना में जाएंगे अगर आपको पता है डालना ही है टेन लेपर गूगल सब बताएगा स्टोरी नहीं पता फिर पता नहीं लूक सत्रह ग्यारह से लेके उन्नीस तक लू सत्रह ग्यारह से लेकर उन्नीस तक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे से कुछ हम हम ऐसे हम कुछ पांच में आते या कुछ नौ में आते कुछ एक में आते ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए समरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे दस कोड़ी मिले उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द कहा हे hey यीशु हे स्वामी हम पर दया कर उसने उन्हें देखकर कहा जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था इस पर यीशु ने कहा क्या दसों शुद्ध न हुए तो फिर वे नौ कहाँ हैं क्या इस को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता क्या इस पर्देशी इस पर्देशी सब को सब चंगे हो गए क्या नहीं जिसने क्या वो नहीं नहीं जिसने वो चंगाई बहुत बार मिलते बट हम कितने देते। पास्टर, आप तो में डालते मैं बताना नहीं चाहता आने वाले टाइम में आपको बताने वाला कुछ ना दे प्रभु आप जब टेस्टिफाई नहीं करता प्रभु का दिल क्या है परमेश्वर का पेन दर्द नजर आता है इस वचनों में नहीं मुझे तो दर्द नजर आता है क्या यार और नहीं आया और लोगों को आशीष नहीं मिला और लोगों को नौकरी नहीं दिया और लोगों को मैंने बच्चा नहीं दिया वो क्यों नहीं आया प्रभु का उसका मतलब देश मसीह का हार्ट क्या है जब आपको आशीष देता है तो आके गवाही है उसके प्रेजेंस में कलिशा के सामने मंडलियों के सामने कोई आज दुखी ही बैठा हो आपकी उसको है प्रभु का दिल क्या है परमेश्वर का गवाही दे गवाही दे छोटी छोटे चीजों में गवाही दे आज हजार का होगा कल वो दो हजार करेगा कल वो बीस हजार करेगा टेस्टमणी आशीष अनुग्रह हमें ना देने के लिए बहुत बार कौन 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 अडंगड़ा होता है हर बार मैं सोचता हूँ जी डिबिल डिविल नहीं है बहुत बार कौन है हम खुद हमारी नेचर है हमारी कुछ नेचर अच्छे नहीं है हम बाय नेचर लविंग नहीं है फ्रूट ऑफ द स्पिरिट मेरा रिसर्च चल रहा है अभी उसमें आने वाले टाइम में प्रचार आएंगे मेरा माल चल रहा है मैंने बीच में मेरे वाइफ को जाके पूछा भाई ये बताओ हाउ कैन आई मैं और मोर लविंग कैसे हो सकता है मैं और कैसा लव दिखा पाऊंगा बीवियों को बच्चों को लोगों को मैं और लविंग कैसे होऊंगा मैं देता हूं बट मैं चीज़ों को खड़ूस चीज़ों में हैंडल करता है किसी को हेल्प की ज़रूरत है उसका कहानी सुनने का मूड नहीं होता मेरे पास ठीक है रेशन नहीं है हाँ वो नहीं है नहीं मैं ठीक है तीन हज़ार रेशन लो खत्म कहानी बट लव क्या है कभी कभार उसका वो सुनना भी लव है आपको पूछना है आपके अंदर वो फ्रूट्स है हर बार हम शैतान के ऊपर शैतान ने बार, बार देखो क्यों वाए? और इसमें एक चीज लिखा हुआ है उस परदेशी के अलावा कोई आके मुझे नामन क्या था परदेशी था और वो जो विडो जो दूर की क्या थी दूर देश थे उसकी उधर से नहीं है सरफात में गया परदेशी के अलावा मतलब इस चर्च में आज हो सकता है किसी ने पहली बार आए उसको आशीष मिला और हम ठीक है हम तो दिखते जी कैथरीन uh, कुलमैन के बारे में सुना है आपने लेडी उसकी ड्रेसिंग स्टाइल के बात लेके लोग उसके अमेरिका में मजाक उड़ा देते वो बात करने का तरीका सब मजाक उड़ाते थे, थे लोग पास्टर्स दुनिया विश्वासी बट हीलिंग होता है बट इसराइल से एक छोटा सा लड़का चला गया उसका नाम है बेनहिन वो रेस्पेक्ट आदर के साथ गया इस आंटी की विमेन ऑफ़ के पास मरने के पहले आशीष अनुग्रह पूरी ग्रेस ट्रांसफर हो गया कुछ आसपास के की लोग आपकी पापा के आशीष को ही और आके ले जाएंगे क्योंकि वो पापा को रस्पेट आदर के साथ जा रहे उससे वो ग्रेस मिलेगा हम तो डेली ठीक है जी, बस आशीष जब रस्पेट प्रदेश आएगा आशीष लेके जाएगा बोलो अपने आप वो कभी कबर मेरी कुछ नेचर के कारण मैं आशीषित नहीं पाता हूं बोलो कभी कभार मेरी कुछ नेचर के कारण मैं आशीष नहीं पाता प्रभु मुझे बताए ऐसे क्या नेचर है मुझ में आज क्लेंस करो अपने आप को वजन सही फिफ्टी वन पढ़ेंगे मुझे क्लेंस कर मैं रुकावट ना बनू कभी कभार आप कुछ लोगों को आशीष करने के लिए घर पे बुलाते हैं बट पांच मिनट उनके साथ बात करते हैं आप सोचते हैं इसको नहीं दूंगा किसी को दो ना दो क्योंकि वो दूर अच्छा है बट कुछ लोग पास आने का टाइम पता चल रही है तो आशीष तो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी नेचर ही खराब है आपने किसी को बुलाया आशीष देने के लिए आपने उसको देने के लिए नीचे कुछ रखा हुआ था चॉकलेट बट आप किचन में गए उसने चॉकलेट उठा के आपने नीचे आके देखा चॉकलेट है नहीं पूछा मान ही नहीं रहा बट आपको पता चल गया यही तो बैठा था उसके लिए बड़ा पांच सौ रुपए का नोट रखा था वो तो देंगे नहीं आप क्योंकि चॉकलेट ही दस रुपए का मारा उसने कुछ नेचर चोरी का नेचर गलत चीज की नेचर पड़ोसी की बैग आके बैठता है वो वॉशरूम गया देखता है सिब खुली पड़ी इसके अंदर क्या आजमाल मैं जानता ऐसे लोगों को नेचर आते देखते क्या है इसके अंदर <laughs> अपनी थाली में क्या है वो दो, इसको क्या मिला? मेरे को दो छोटा पीस मिला इसको बड़ा पढ़ेंगे बड़ बोलेंगे मुझे शुद्ध कर प्रभु मुझे शुद्ध कर मुझे शुद्ध कर मुझ में ऐसे कोई बात न हो जो खराबी है और सब है

मुझे भली बांती धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरे पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है मैंने केवल तेरे ही विरोध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही में ज्ञान सिखाएगा जुफा से मुझे धोकर मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊं मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा मुझे हर्ष और आनंद की बातें सुना जिससे जो हड्डियाँ तूने तोड़ डाली है वे मगन हो जाएं अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी और फिरेंगे हे परमेश्वर हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर मुझे हत्या के अपराध से छुड़ा ले तब मैं तेरे धर्म का जय जयकार करने पाऊंगा हे प्रभु मेरा मुंह खोल दे तब मैं तेरा गुणानुवाद कर सकूंगा क्योंकि तू मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता नहीं तो मैं देता होम बलि से भी तू प्रसन्न नहीं होता टूटा मन परमेश्वर के योग के बलिदान है हे परमेश्वर तू टूटे तू और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता प्रसन्न होकर सीओ की भलाई कर यरूशलम की शहरपनाह को तू बना तब तू धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वाग पशुओं के होम बलि से प्रसन्न होगा तब लोग तेरी वेदी पर बैल चढ़ाएंगे आमेर इसमें इस दाऊद ने बोला मैंने हत्या किया मैंने कूनी किया कितने लोग इसमें इधर इधर इस मर्डर बैठे मर्डर किया आपने बट आपकी मुंह से आप कुछ न कुछ लोगों का डेली मर्डर कराता है अपनी बीवी को ऐसे बिगाड़ के उसकी स्पिरिट खत्म करके मार के कर रखेगा जारी एक महीने उस दुखी में बैठ रहता है हस्बैंड को कभी ऐसे बात करेगा रिलेटिव को ऐसे बात करके उनको उन, उनकी गला काटेगा और उस वर्ड के यूज करेगा हम मारते रहते हैं फिर हम बोलते हम नहीं है आपकी वर्ड्स आप कुनी है मैं और आप कहीं ना कहीं हम कभी ऐसे ऐसे काम करेगा सामने वाले को हम खत्म कर देगा उसको डिस्ट्रॉय करेगा उसके एनर्जी खत्म कर देगा उसकी उसके सब चीजों बोले यार क्या-क्या बोल पड़ा है मेरी ऊपर वो बंदा महीना सोचता रहेगा रात में उसकी उसमें चलता रहेगा ये सब मेरे अंदर थे इसलिए तो मैं एक्सपर्ट हूं इस मामले में इसलिए मैं किसी को जज नहीं करता बिकॉज़ मैं सबसे बड़ा पापी हूं मैं जानता हूं ये सब नेचर था तो आज इस कारण आप 51 और आराधना चलेंगे और पढ़ो बोल हीलिंग के लिए प्रार्थना करेगा ही आई पाएंगे परमेश्वर ने क्या बोला नए पुराने नहीं बताओ ना आपको पता नहीं है बाइबल वर्स न्यू वाइन विल नॉट बी फिल्ड इन ओल्ड वाइन स्किन नई दाक मधु आपको घर में नई दूध आया बड़े भाई ये सब छोड़ो दूध आया आपने कल जिस दूध रखा हुआ दो दिन से उसी बर्तन में लेने जाओगे क्यों खराब हो जाएगा जो नया आता है परमेश्वर आपको नई आशीष देने के पहले क्या करना चाहेगा मस्टरम ब्रदर आपको चेंज कराएगा फिर वो नया आशीष देंगे अर्चना आपको चेंज कराएगा प्रभु फिर आपको नया आशीष देंगे तो हम जब आज आशीष पूछने के पहले क्या करना पड़ेगा परमेश्वर से क्लीन मी मुझे नया बना परमेश्वर आज आपने नए ड्रेस पहन के आया होगा नहीं तो पड़ोसी बताएगा नहीं है जी नया नहीं, नहीं है दूर दो किलोमीटर दूर से आ रहे कुछ वो क्लीन मी लॉर्ड आज जिस स्प्रे क्लीन मुझे क्लीन कर मुझे क्लीन कर मुझे क्लीन कर मुझे क्लीन कर आपने बोल दिया मुझे मुझ में ऐसे कुछ है ही नहीं जो क्लीन करने का लाएगा फिर तो कन्ग्रेचुलेशन आपको ई बी सी डी से मैं सिखाऊंगा क्लीन मी ओ लॉर्ड मुझे शुद्ध कर प्रभु मुझे शुद्ध कर मुझे शुद्ध कर, शुद कर जब आराधना चलेंगे आप ये 51 भजन सही और पढ़ो खुद उठा के बोल दे मेरी मुंह से मैंने किसी का मर्डर किया मैंने अपने मम्मा पापा का दुख पहुंचाया हस्बैंड वाइफ को किया मैंने लोगों किया को लॉर्ड फॉर मी मुझे शुद्ध करा मुझे शुद्ध करा इस टाइम फोन उठा के या व्हाट्सएप डालना चाहते सॉरी एस फोन करना चाहते है. कर लीजिए आपको फ्रीडम है बोल दे लॉर्ड आई एम सॉरी लॉर्ड आई एम सॉरी क्योंकि परमेश जो आप इसलिए मैंने आज क्वेश्चन पूछा चंगाई आशीष अनुग्रह आपके घर में आएगा आएगा जब आप ये करेंगे तो चलिए आराधना करेंगे हम को बोलेंगे प्रभु तेरा लघु पाप करता है, तेरा